अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्से इफ्तखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लेट ऑफ कोड। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तक आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर कोर्सेज से रिलेटेड थी, लास्ट GDSC वाली भी मैंने एक डाली है, तो ये काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हैं। तो आज जो मेरा मकसद है कि आपको सबसे मेन जो मेरा टारगेट है कि पैसे कमाना सिखाना लोगों को, तो वही वीडियो है मेरी आज की, यानी कि अब जो मेरा वीडियो बना रहा हूँ और चैनल का मेन मकसद था मेरा। तो गाइस, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे अपने क्लासमेट्स और दोस्त यार पूछते हैं कि आप किस तरह से अर्निंग करते हो, तो मैं उनको यही चीज़ कहता हूँ कि आप कोई भी स्किल सीख लो, अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो कंप्यूटर साइंस की स्किल हो। अगर आप वैसे भी नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, यानी BBA के हैं या फाइनेंशियल के हैं या फिर मीडिया साइंस के हैं, तो भी आपको कोई एक स्किल आना लाजमी है। लाइक अगर BBA के हैं तो आपको एक्सेल शीट संभालना अगर आती है तो वो एक स्किल हो गई। इसी तरह अगर आप मीडिया साइंस के हैं तो उसमें आपको लाइट मैनेजमेंट या फिर शूटिंग मैनेजमेंट या इस तरह की चीज़ें अगर आपको आती हैं तो वो भी एक तरह से स्किल है। तो इसी तरह मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको एक कंप्यूटर साइंस में स्किल कौन कौन सी होती हैं वो बता रहा हूँ इस चैनल पर, और अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो मेरा अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक मुझे एक क्लाइंट मिला था, उनको बनवानी थी अपने लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो फिर मैंने उनको अपने अपना जो भी उनको चीज़ें थी दिखाकर और उनसे एक रेट पे बात हुई, तो एट दी एंड जो हमारा जो बात हुई थी पैसों की वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ में हुई थी। तो दैट मीन कि मुझे वो वर्डप्रेस, आपने सुना ही होगा कि ये वेबसाइट बनाने की वेबसाइट है और यहाँ पे हम ये करते हैं कि वेबसाइट क्रिएट करते हैं और नॉन कोड होती है। बेसिकली वर्डप्रेस एक वेबसाइट, एक टूल कह लें आप कि वो है, जिसको यूज़ करके आप एक बहुत अच्छी और एक इंटरनेशनल लेवल या प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। मैं जब से मैंने स्टार्ट की थी वेबसाइट बनाना, सबसे पहले मैं ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाता था जो कि गूगल की है, फ्री प्लेटफॉर्म है। उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उसमें आप सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है फ्री में, लेकिन जब आप एक वेबसाइट अच्छी बनाना शुरू करते हैं, लाइक मैंने कहा प्रोफेशनल वेबसाइट, तो उसके लिए वर्डप्रेस बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे लोग रिएक्ट पे बनाते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट पर या HTML पर बनाते हैं, CSS को यूज़ करके, और भी बहुत सारी लैंग्वेज की हैं जिसको यूज़ करके आप, PHP है जिसको यूज़ करके आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं कि देखने वाला बता नहीं सकता कि ये वेबसाइट आप एक नॉन कोड बंदे ने बनाई है, यानी कि जिसको कोडिंग नहीं आती। तो बेसिकली वो मैंने उससे प्रोजेक्ट लिया और सिर्फ 1 मंथ का टाइम था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ 15 डेज़ में कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने उसको 50,000 चार्ज कर लिए। बेसिकली वो चार्जिंग इस चीज़ की भी थी कि उसमें मैंने जो अपने एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके उसको एक वेब 2.0 की वेबसाइट बना कर दी, जिसके बाद यह है कि वो एक अच्छी वेबसाइट उसको मिल गई। तो अब मेरा जो मकसद था अर्निंग का, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इस तरीके से भी कमा सकते हैं, लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा, ये वर्डप्रेस सीखें कहाँ से हम, ये दो बहुत अच्छी सवाल आपके दिल में आ रहे होंगे। और भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ये जनरल क्वेश्चन लगे तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ कि आप सीखें कहाँ से, तो यूट्यूब सबसे ऐसी चीज़ है, यानी कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको वर्डप्रेस क्या, उससे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप सीख लेंगे, लेकिन वर्डप्रेस की जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वो आप वर्डप्रेस की यूट्यूब पर सीख सकते हैं। 10 मिनट से लेकर 1-1 घंटे से लेकर 19-19 घंटे तक की वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिससे आप वर्डप्रेस बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और यूट्यूब पर है जो कि सबसे ज़्यादा आसान एक्सेस है। दूसरी चीज़ कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा। अब क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप उसको तैयार करके लोगों को शो करें, लाइक अपने स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उनको पता लग जाए कि आप ये चीज़ बना सकते हैं, और वो ऐसी चीज़ हो कि वो हर बंदा नहीं बना सकता। जैसे कि स्किल का मतलब ही ये होता है कि वो आपको एक यूनिक चीज़ आती है जो और किसी को नहीं आती। ठीक है, तो वो है क्लाइंट को ढूंढने का तरीका कि आप अपनी जो स्किल आती है वो फ्री में बना लें, फिर उसको आप शेयर करें, लोगों को दिखाएं। उससे ये होगा कि क्लाइंट जिसको भी नीड होगी वो आपको दिखा के, वो देखकर आ जाएगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या इस जैसी कुछ चाहिए, तो इस तरह से आपको क्लाइंट मिल जाएगा।
तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपने अर्निंग करनी है, और मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग किस तरह से वर्डप्रेस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन तो मेरे माइंड में थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी ये चीज़, अगर आपका कोई फ्रेंड और फैमिली में ऐसा बंदा है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अर्निंग कर सके, और इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ को यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।